नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देखिए, टीम इंडिया का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन मेरे भैया ये तो टीम इंडिया के साथ पोपट वाला काम हो गया, क्योंकि जिस खिलाड़ी के लिए आपने बुराई ली, जिस खिलाड़ी को खिलाने के लिए आप पूरे क्रिकेट फैन से लड़ गए, वो खिलाड़ी खेलेगा ही नहीं, वो खिलाड़ी को मौका ही नहीं मिलेगा। अब उसके पीछे की कई सारे रीजन सामने आ रहे, कई बयान भी सामने आए हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, नाम है केएल राहुल। अब आप बोलेंगे कि भैया राहुल को तो भैया बीसीसीआई ने तमाम क्रिकेट फैन से लड़कर और अपना पसंदीदा खिलाड़ी बताकर टीम में घुस दिया, टीम में ठूस दिया और संजू सैमसन को बाहर निकाल दिया। लेकिन आपको हैरानी होगी कि राहुल को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो तो भैया बड़ी दर्दनाक है। राहुल तो खेलेंगे ही नहीं। अब जब राहुल खेलेंगे ही नहीं प्लेइंग 11 में वर्ल्ड कप की में, तो भैया राहुल को क्यों रख लिया, सवाल तो है ना। जब राहुल खेलेंगे ही नहीं तो राहुल को क्यों रख लिया, राहुल को रखने के पीछे का रीजन क्या था, संजू सैमसन को क्यों नहीं रख लिया, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी सामने आ रही है, जो प्लेइंग 11 की रिपोर्ट सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो रिपोर्ट थोड़ी सी हैरान करने वाली है। और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और रोहित शर्मा दोनों के बयान उस पर आए हैं, और दोनों के बयान जिस तरीके के आए हैं उससे भैया राहुल भैया परेशानी हो गई, राहुल भैया की परेशानी हो गई और बीसीसीआई की पोल खुल गई, दोनों का काम हो गया। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा पूरी तरीके से, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैटर क्या है, माजरा क्या है। दरअसल माजरा ये है कि आप ऊपरी क्रम पर राहुल को ओपनिंग के तौर पर तो खिलाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पर तो आपके शुभमन गिल हैं, तो बात पक्की है, क्योंकि राहुल ऊपरी क्रम पर खेल चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो ऊपरी क्रम पर तो शुभमन गिल है, शुभमन गिल को हटाने वाला कोई नहीं है, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेलने वाले हैं। उसके बाद में नंबर 3 पर विराट कोहली है, भैया कौन हटा देगा, अंगद का पैर है, वो तो जमा हुआ है। नंबर 4 पर जो है वो श्रेयस अय्यर खेलने वाले हैं, ये बात रोहित शर्मा भी साफ कर चुके हैं, ये बात अजीत अगरकर भी साफ कर चुके हैं कि नंबर 4 पर आपके श्रेयस अय्यर ही खेलेंगे, श्रेयस अय्यर को ही नंबर 4 पर खिलाया जाएगा, श्रेयस अय्यर की जगह कोई नहीं आएगा। अब भैया सवाल खड़ा होता है नंबर 5 पर। अब नंबर 5 पर वो खिलाड़ी आएगा जो विकेट कीपर होगा, तो यहां पर मामला जो है थोड़ा सा डामाडोल नजर आ रहा है। अब खबर जो है वो ये है कि दो खिलाड़ियों के बीच में टक्कर है, दो खिलाड़ियों के बीच में टक्कर क्या है, ईशान किशन और केएल राहुल, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में जबरदस्त टक्कर चल रही है, जोरदार टक्कर दोनों खिलाड़ियों के बीच में चल रही है। अब यहां पर अजीत अगरकर ने जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए। अजीत अगरकर ने कहा कि भैया ईशान किशन और केएल राहुल के बीच में टक्कर है, हमारे पास दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जोरदार आपस में टक्कर है, ये अच्छी बात है, लेकिन भैया खिलाएंगे तो ईशान किशन को ही। तो वही रोहित शर्मा का भी बयान आ गया, वो भी सुन लीजिए। रोहित शर्मा ने भी कहा है कि भैया ईशान किशन के प्रदर्शन को हम नजरअंदाज कैसे कर दें, राहुल भैया आपको कैसे खिला लें, आपने कुछ नहीं करके दिखाया। ईशान किशन ने पिछले लगातार 4-5 मैचों में शतक लगाए हैं, लगातार रन बनाए हैं, बेहतर खिलाड़ी भी हैं और मेरी टीम के भी खिलाड़ी हैं। तो भैया यहां पर यह सबसे बड़ी बात है, रोहित शर्मा और आपके चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर दोनों ने बात कही है कि भैया ईशान किशन ने बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है, उनका प्रदर्शन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब भैया अगर ईशान किशन के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं करोगे तो राहुल को कैसे खिलाओगे, समझ गए ना भैया पूरा मैटर, ये है पूरा माजरा। राहुल की जगह नहीं बनेगी प्लेइंग 11 में, राहुल की जगह बिल्कुल भी नहीं बन रही है, और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि भैया जब राहुल को खिलाना ही नहीं है, क्योंकि ईशान किशन को खिलाने का एक और फायदा है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक ऊपरी क्रम पर हमें एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मिल जाता है, जिसका फायदा टीम इंडिया को होता है, पाकिस्तान के खिलाफ हमने वो फायदा देख भी लिया, किस तरीके से ईशान किशन के सामने पाकिस्तान के जो गेंदबाज थे वो बेबस नजर आए। हार्दिक और ईशान किशन की जब पार्टनरशिप बनी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना, तो वहां पर टीम इंडिया को फायदा हुआ। तो इसका फायदा हम पहले भी लगातार बोलते आ रहे हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का फायदा मिलता है, और उसका फायदा लेने के लिए टीम इंडिया को ईशान किशन को रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ऋषभ पंत तो है नहीं, जो निचले क्रम पर ऋषभ पंत खेलेंगे, अब एक तो विकेट कीपर बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर चाहिए ना, तो ईशान किशन उस मामले में पूरे फिट बैठते हैं, उसी अंदाज में बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, उसी अंदाज में रन भी बना रहे हैं, और विकेट कीपर बल्लेबाज वो लेफ्ट हैंडर भी है, तो इसीलिए टीम इंडिया ईशान किशन को बाहर नहीं करेगी। रोहित शर्मा भी साफ कह चुके हैं और अजीत अगरकर भी साफ कह चुके हैं कि भैया राहुल कितना ही फड़फड़ा लो, लेकिन ईशान किशन को ही खिलाया जाएगा, ईशान किशन को ही खिलाएंगे, निचले क्रम पर आप जानते हैं हार्दिक आएंगे जड़े जाएंगे। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होने लगा है, जो रिपोर्ट आ रही है राहुल को लेकर और ईशान किशन को लेकर, कि भैया अगर ईशान किशन को ही खिलाना था तो राहुल को क्यों रख लिया, क्या राहुल वास्तव में अभी भी चोटिल है। उसके बाद सवाल ये भी है कि क्या वास्तव में राहुल अभी भी चोटिल है, क्या राहुल के ऊपर टीम इंडिया को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि राहुल को वैसे तो देखिए आप लोग भी बहुत
सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे कि राहुल को बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, ये कहा जाता है कि राहुल तो भैया बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा स्टेटस है। अगर राहुल बड़े खिलाड़ी हैं तो उन्हें बाहर क्यों रखा जा रहा है? सबसे पहला सवाल, बिल्कुल आप मेरी बात से सहमत होंगे, अगर राहुल बड़े खिलाड़ी हैं तो उन्हें बाहर क्यों रखा जा रहा है? अगर राहुल पूरी तरीके से फिट है तो उन्हें खिलाया क्यों नहीं जा रहा है? और अगर राहुल फिट नहीं है, चोटिल है, तो उन्हें रखा क्यों जा रहा है? ये तीनों सवाल हैं। इन तीनों सवालों में बीसीसीआई घिरी हुई है, क्योंकि अगर राहुल फिट नहीं है तो उन्हें क्यों रखा गया? भैया उनकी जगह और भी तो खिलाड़ी थे, क्या राहुल ही थोड़ी है टीम इंडिया में विकेट कीपर बल्लेबाज? राहुल की जगह और भी खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को मौका दे दो भैया, आपके एहसान मानेंगे आपका वो खिलाड़ी। लेकिन राहुल को ही मौका दिया जा रहा है, अब राहुल मौका भी दिया जा रहा है और राहुल को खिलाया भी नहीं जा रहा है। तो सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि जब राहुल को खिलाया ही नहीं जा रहा है, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद, इतना बड़ा स्टेटस होने के बावजूद, तो भैया किस काम के हो राहुल? तुम मुझे बता तो दो, आपका इतना बड़ा नाम, आपने काम कुछ नहीं किया पिछले दो सालों में, तो आपको खिलाया क्यों जाए? ये सबसे पहला सवाल। और अगर बीसीसीआई से मेरा सवाल है कि जब राहुल पूरी तरीके से फिट नहीं है तो भैया उनकी जगह किसी और को रख लेते, अगर फिट है तो खिला क्यों नहीं रहे हो? ये दो तीन सवाल है। आपके पास इन सवालों के जवाब हो तो हमें भी दे दीजिए, क्योंकि हम तो भैया इन सवालों के जवाब लगातार बीसीसीआई से पूछ रहे हैं लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। अगर राहुल फिट है तो उन्हें खिलाया क्यों नहीं जा रहा है, सबसे पहला सवाल। और अगर फिट नहीं है तो उन्हें रखा क्यों जा रहा है? ये दो सवाल हैं। इन दोनों सवालों के जवाब दे दीजिए। जब टीम इंडिया को पहले से ही पता था कि ईशान किशन खेलेंगे, टीम इंडिया पहले से ही अपना माइंडसेट कर चुकी है कि भैया ईशान किशन को ही खिलाना है, राहुल को खिलाना ही नहीं है, तो भैया उनको थोड़ा सा आराम दे दीजिए। नई नई शादी है हुई है, चोटिल भी होकर है, थोड़ा सा आराम करते, थोड़ा सा घूमते फिरते इधर उधर, थोड़ा सा बेहतर करते, राहुल को आप आराम ही दे देते, किसी दूसरे नए विकेट कीपर को मौका दे देते, कम से कम वो अच्छा महसूस तो करता टीम इंडिया में आकर। आने वाले भविष्य के तौर पर एक नए विकेट कीपर को तो आप कम से कम बनाते, लेकिन टीम इंडिया उस बारे में नहीं सोचती है। टीम इंडिया ये नहीं सोचती कि फ्यूचर में हमें क्या बनाना है, ये सोचती है कि इस वक्त हमारे लिए क्या जरूरी है, कौन सा मेरा चहेता खिलाड़ी है, कौन सा हमारा प्यार वाला खिलाड़ी है, ये सोचती है टीम इंडिया। इसीलिए टीम इंडिया फंसती है, इसीलिए बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो भैया कमेंट करके बताइएगा, ईशान किशन को जिस तरीके से मौका देने की बातें चल रही हैं, राहुल को बाहर बैठाने की बातें चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि राहुल के दिन अब गए, राहुल के दिन अब गए, अब राहुल के दिन उस तरीके के नहीं आने वाले जो होने वाले थे? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की लगातार पोल खोल वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।